प्राची, अब तो बस सिखा दो रिया को सबक, खोल दो दोस्ती का झरोखा रणबीर की ओर और दोनों साथ मिलकर ना करो रिया का सामना। बस अब तो हो जाने दो, दूध का दूध और पानी का पानी। जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में प्राची के प्रेग्नेंट होने की खबर रणबीर के सामने आते आते रह गई। असल में रणबीर जिस अस्पताल में आया है उसी अस्पताल में अपना चेकअप कराने के लिए प्राची आई हुई थी और प्राची को रणबीर देख लेता है। बस फिर क्या, प्राची के साथ साथ वो डॉक्टर के सामने भी सवालों की झड़ी लगा देता है। मैं यहाँ पे दवाइयाँ लेने आया था, तुम यहाँ क्यों? मैं भी यहाँ दवाई लेने के लिए आई थी। तुम प्रेग्नेंट हो? ये कैसा सवाल है? सवाल तो तुमने भी पूछा मुझसे। मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे यहाँ पे मिली ना, इसीलिए। तुम भी तो मुझे यहाँ मिले, उस हिसाब से मैं भी सवाल पूछ सकती हूँ। डॉक्टर मधु, आप प्लीज मुझे बताएंगी कि आप अभी थोड़ी देर पहले प्राची को चेक करी थी ना? आप प्लीज मुझे बताएंगी कि ये प्रेग्नेंट है? आप जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ उसको। प्लीज आप बताइए ना, प्राची प्रेग्नेंट है क्या? प्लीज बोलिए, मेरी वाइफ है, मेरा हक है जानने का। बताइए ना, ये प्रेग्नेंट है? तो आप ये बात अपनी वाइफ से ही क्यों नहीं पूछ लेते? आप बताइए ना मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है या नहीं है? देखिए मिस्टर रणबीर, आई एम सॉरी, वो मेरी पेशेंट है और वो मुझसे क्या ट्रीटमेंट ले रही है, यहाँ पे क्यों आई है, ये मैं आपको नहीं बता सकती। अगर फिर भी आपको जानना है तो वो आपके सामने है, आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं।